हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम की ज़िंदगी। सो आई होप आप सब ठीक होंगे, सो अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। सो मेरे पास बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम आप होम क्लीनिंग वीडियो बनाइए, वो भी रेड कलर की साड़ी में। सो मैंने आज ये रेड कलर की साड़ी और ब्लाउज वेयर किया है। सो कैसी लग रही एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। और ये साड़ी आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छा लगा आप इसका ब्राई भी किए थे, मतलब कि इसके बारे में पूछ लिए थे, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन नहीं, शायद कोई दिए थे शायद से, मुझे उतना ही पता नहीं है, लेकिन कहीं से मुझे ऑफलाइन ही ख़रीदा था। सो अब मैं यहाँ पर पहले डस्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर, और ये जाले वाले लग जाता है ना। सो बहुत ज़्यादा जाले वाले भी लग गए थे, सो मैं बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ, फिर भी इधर इधर ध्यान ही नहीं दिया। सो बहुत ज़्यादा जाले वाले लग गए थे, तो इसे मैं क्लीन ही करने लगी थी। और यहाँ मेरे सर से दुपट्टा खुल रहा था, मुझे समझ में मतलब अच्छे से नहीं बंधा पाया था, तो फिर मैं इसे अच्छे से बांध लूँगी यहाँ पे। मुझसे हो ही नहीं रहा था, पता नहीं सब फिर सोचे कि ठीक है चलो इसे अच्छे से कवर ही कर लेते हैं। और यहाँ पे फिर डस्टिंग स्टार्ट कर दिया, वैसे भी होली भी आ रहा है ना, तो लगे हाथ इसका भी सफाई हो जाएगा। सो यहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत था, बहुत ये जाले थे, जाले मैं निकाले थे, बहुत ज़्यादा जाले पड़ जाते हैं, मतलब कि सप्ताह महीना में जाले पड़ ही जाते हैं, ध्यान ना दो घर में ना, तो जाले पड़ ही जाते हैं। सो यहाँ पे जाले वाले मैं निकाले थे इसे। सो जाले साफ़ करने के बाद यहाँ पे डस्ट वगैरह आ गया था, तो मैं इसे बाजा, यहाँ पे बाजा में रहता है, तो यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं कितना डस्ट धूल आपको दिखाई दे रहा उड़ा होगा, बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई थी, तो मैं इसे अच्छे से सोचिए क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे भी बहुत जगह डस्ट, कितना भी क्लीन करो ना, अभी आजकल हवा भी चल रही बहुत, मतलब क्लीन करो, सुबह झाड़ू पोछा मारो, फिर शाम तक वैसे ही हो जाता है, समझ में आता है क्या करें कैसे घर क्लीन करें, मतलब पर डे का यही काम है। मैंने अभी क्लीन करा, फिर 2 घंटा के बाद देखा, फिर देखा वैसे कि वैसे धूल आ गई थी, पता नहीं इतना डस्ट धूल उड़ा है ना कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डस्टिंग सब जगह। फिर इसे मैं डस्टिंग करने लगी हूँ अच्छे से, इससे ना अच्छे से डस्ट निकल जाता है। सो यहाँ पे भी लैपटॉप के पास भी क्लीन कर दे रही हूँ कि अच्छा रहे। यहाँ पे मेरी बिटिया रानी है ना, जो ये रबड़ पेंसिल ला के रख देती है कभी कभी, सो यहाँ पे भी क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। उसके बाद गेट वगैरह भी था, वहाँ पे भी सोचा कि चलो इसे भी डस्ट झाड़ निकाल ही देती हूँ। सो डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे आ गए थे डाइनिंग टेबल के क्लीन करने के।
यहाँ पे मैं कॉलिन के हेल्प से इसे मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ इस पे इसके ऊपर प्लास्टिक बिछाई हुई थी तो उसे भी मैंने धो दिया है। बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो गया था, गंदा हो गया था। और सब ये ये सोफ़ा के कवर वगैरह और बेडशीट वगैरह सब मैंने निकाल दिया धोने के लिए। यहाँ पे ये कुर्सी को भी अच्छे से क्लीन कर, बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है, बहुत ज़्यादा धूल। मेरा सर बहुत सारा दर्द हो करता है ये धूल को देख के, इतना सारा धूल उड़ता कहाँ से आता है, ये धूल समझ में नहीं आता है। बंद रखूँ ना घर तो भी वही हाल है, तो इसे मैं सोफ़ा को भी अच्छे से इसे भी अच्छे से पोछ दूँगी। ये क्यों बचेगा, इसे भी मैं पोछ दूँगी, बैठने में अच्छा होता। फिर क्या होता है ना, इसके अंदर दोनों गैप है ना, गैप के अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। मैंने हाथ से इसको पहले से निकाला था तो फिर ये निकला बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी अब। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। उधर पोछा मैंने मार दिया है, मैं इधर भी पोछा मार देती हूँ कि ताकि घर साफ सुथरा अच्छा देख सकते हैं। डस्ट करने के बाद झाड़ू लगाने के बाद ही इतना सुंदर घर लग रहा था ना, फिर पोछा मैंने लगाया अच्छे से तो मेरा घर दम चमचमा गया। मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया पूरा घर को, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा ना, पूरा क्लीन क्लीन दिख रहा। और इधर मेरा स्टोर रूम है, इसमें सामान वगैरह रहता है। सो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अब डस्टिंग करने के बाद, वाव। सो आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर कमेंट।